नमस्कार, मैं निशा तिवारी, आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट सर्वदा भारतीय। फिलिस्तीन के बीच एक बार फिर से युद्ध छिड़ गया है। खबर है कि गाजा स्थित संगठन हामस ने 5000 से ज्यादा रॉकेट इसराइल पर दागे हैं। वहीं इसराइल ने भी युद्ध का ऐलान कर दिया है। जानकारी के मुताबिक हामस ने खास तौर पर दक्षिण और मध्य इसराइल को निशाना बनाया है। हामस ने सैन्य कैंप पर हमला किया है। खबर यह भी है कि हामस ने कई इजरायली सैनिकों को बंधक भी बनाया है। इजरायल विदेश मंत्रालय ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि यहूदी छुट्टियों के दौरान इजरायल पर गाजा से संयुक्त हमला हो रहा है। यरूशलेम सहित पूरे इजरायल में नॉनस्टॉप रॉकेट सायरन बज रहे हैं। इजरायल हामस आतंकी संगठन द्वारा की जा रही आतंकी घुसपैठ की चपेट में है। हम अपनी सुरक्षा के लिए सब कुछ करेंगे, कहा इजरायल ने। फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हामस के नेता मोहम्मद डैफ ने बयान जारी करते हुए कहा कि हामस ने इसराइल के खिलाफ एक नया सैन्य अभियान शुरू किया है। इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन अल अक्सा स्टॉर्म है। डैप के मुताबिक इस ऑपरेशन को शुरू करने के लिए हामस ने इसराइल में शनिवार तड़के 5000 रॉकेट दागे हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए पब्लिक फर्स्ट सर्वदा भारतीय। ये है इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट सर्वदा भारतीय।